दोस्तों, बाइक कितना माइलेज देता है ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम बात करते हैं कार का, वो भी आपको पता होगा, और बस और ट्रक के बारे में भी आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ट्रेन इंजन जो कि डीजल से चलता है वो कितना का माइलेज देता है? अगर नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ट्रेन के माइलेज जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि डीजल ट्रेन का टैंक कितने लीटर का होता है। आपको बता दें कि डीजल इंजन की क्षमता के हिसाब से उसकी टैंक को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर। डीजल इंजन में प्रति किलोमीटर का एवरेज गाड़ी के लोड के मुताबिक ही तय होता है। दोस्तों, डीजल इंजन का माइलेज कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि हम डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। वहीं दूसरी ओर अगर एक डीजल इंजन 24 कोच की एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सफ़र कर रही है तब भी वह 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डब्बों के साथ यात्रा करे तो उसकी माइलेज 4.50 लीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के माइलेज में अंतर इसलिए होता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है। इस वजह से उसमें ब्रेक और एक्सेलरेटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन का माइलेज एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले कम हो जाता है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप काफ़ी कम होते हैं और उन्हें ब्रेक और एक्सेलरेटर का भी इस्तेमाल कम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें मालगाड़ी के बारे में तो मालगाड़ी में कोच की संख्या और ट्रेन में ले जा रहे सामान के आधार पर माइलेज का पता लगाया जाता है। यह हर ट्रेन के अनुसार तय होता है जिसका निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल है। यानी जिस मालगाड़ी का लोड ज़्यादा होगा उसका माइलेज उसी हिसाब से कम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्टेशन पर ट्रेन चाहे कितना भी देर खड़े रहे उसका इंजन बंद नहीं किया जाता। डीजल इंजन को चालू रखने के पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि डीजल इंजन का पावर ऑफ करने के बाद ब्रेक पाइप का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है जिससे वापस उसकी क्षमता में आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि डीजल इंजन स्टार्ट करने में अमूमन 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इसलिए डीजल इंजन को बंद करने के बजाय चालू रखना ही सही माना जाता है। और एक बात दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि बंद इंजन को स्टार्ट करने में 40 से 50 लीटर डीजल तक खर्च हो जाता है। तो आपको बता दें कि इंजन को स्टार्ट करने के दौरान डीजल खर्च नहीं होता, वह ठीक उसी तरह से स्टार्ट होता है जिस तरह से मोटरसाइकिल या कोई कार स्टार्ट होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।